नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए ग्वालियर शहर में चलाए जा रहे पुलिस के अभियान में एक ऐसे शातिर स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है जो ग्वालियर अंचल में स्मैक की तस्करी लंबे समय से कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर शहर की महाराजपुरा थाना पुलिस ने घेराबंदी कर कोठारी मार्केट से रंगे हाथों स्मैक बेचते हुए तस्कर मुन्ना गुर्जर को गिरफ्तार किया। मुन्ना के कब्जे से पुलिस ने 60 ग्राम स्मैक बरामद किया है जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6 लाख रुपए है। पूछताछ में तस्कर मुन्ना ने पुलिस को बताया कि वो उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर ग्वालियर के आसपास के जिलों में बेचता है। पुलिस का कहना है कि मुन्ना का पिछला रिकॉर्ड निकाला जा रहा है कि आखिर मुन्ना का नेटवर्क कहां तक है और उसके तार किस किस जगह से जुड़े हुए हैं। कल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कोठारी मार्केट के पास एक लड़का स्मैक बेच रहा है। चूँकि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का एक विशेष अभियान भी चल रहा है कि नशेड़ियों पर अधिक से अधिक कार्रवाई करें, तो उस अभियान के तहत हमारे मुखबिर भी लगे हुए थे। तो उसी बीच जब दरमियान जी सूचना आई तो सूचना की तस्दीक के लिए सब इंस्पेक्टर प्रवीण वगैरह और हमारा पूरा स्टाफ मौके पर गया तो वहाँ पे एक व्यक्ति स्मैक बेचते हुए पकड़ा, जिसको गिरफ्तार किया तो उसके कब्जे से 60 ग्राम स्मैक मिली है। उस व्यक्ति का नाम था मुन्ना गुर्जर, बाप का नाम है कप्तान सिंह गुर्जर, वो ग्राम करौली थाना बामौर करौला गांव पड़ता है, थाना बामौर में जिला मुरैना का रहने वाला है। यहाँ कहाँ बेच रहा था? यहाँ पे कोठारी हाउस पे एक जगह पड़ती है, वहाँ पे बेच रहा था वो। कहाँ से लाता और उसका ये कहना है कि वो उत्तर प्रदेश में इटावा से लाते हैं और जाते इसमें अच्छी वहीं से बताते हैं, और उसके साथ में वो कांटा भी लिया था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जैसे कांटा आता है वो कांटा भी लिया था, वो उसी पे जिसको जितनी चाहिए थी वो तोल के दे देता है। तो इसके मौके से 60 ग्राम स्मैक और कंप्यूटर जब्त करके आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको आज न्यायालय पेश किया। कितनी कीमत होगी लगभग इसकी? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। ये अकेला था और भी उसके साथ में कोई? नहीं, ये अकेला ही बेच रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।